नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आज छत्तीसगढ़ से जुड़ी 8 घटनाएं सामने आई हैं, जिसको हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवभोग थाना परिसर में अब पुलिसकर्मी और आने वाले लोग होंगे सैनिटाइज। पानी को परेशान ग्रामीण, एक माह से हो रही पानी की किल्लत। कोंडा गांव में नल जल योजना में घोटाला करने वाले ठेकेदार ने आम आदमी पार्टी के सह संयोजक को दी धमकी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नामी स्टील कारोबारी ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। डोंगरगढ़ में जंगल के हरे भरे वृक्ष को काटकर जंगल में कब्जा। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक ने नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगे लाखों रुपए। महिला मित्र ने दिया था जहरीला आटा, जिससे एडीजी और बेटे की हुई थी मौत, पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी को दी पति ने कंधे पर बिठाकर घुमाने की सजा। चलिए अब आपको सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर है छत्तीसगढ़ के देवभोग से। छत्तीसगढ़ के देवभोग के थाना में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। आपको बता दें कि 54 ग्राम पंचायतों के सरपंच के सहयोग से देवभोग थाना परिसर में यह सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। यह मशीन 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत की है। अब थाने में सैनिटाइजर मशीन लगाने से पुलिसकर्मियों के साथ साथ थाने में कार्य से आने वाले लोग भी सैनिटाइज होंगे। गरियाबंद जिले का यह पहला थाना है जिसमें सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने 54 ग्राम पंचायतों के सरपंच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना बीमारी को हम बहुत दूर जल्द ही हरा सकेंगे। देवभोग से लोकनाथ सौर्य की रिपोर्ट। थाना देवभोग क्षेत्र अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उनमें कुल 54 ग्राम पंचायतें होती हैं। 54 ग्राम पंचायतों के सरपंच लोगों ने मिलकर के थाना देवभोग को ये सौगात दिया है। एक सैनिटाइजर मशीन इस क्षेत्र में जो कोरोना का फैलाव हो रहा है उसको ध्यान रखते हुए थाना का सहयोग करते हुए सैनिटाइजर मशीन थाने को में लगाया गया है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इस तरह से हम सबको मिलकर आम जनता और पुलिस कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि हम इसमें सफल होंगे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में ग्रामीणों के लिए जल की आपूर्ति के लिए शासन के द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, परंतु नल जल योजना के बावजूद ग्रामीणों को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों एक दिवसीय दौरे पर आए पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बयान दिया था कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक घर में निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जाएगा, परंतु योजनाओं के होने के बाद भी ग्रामीण जल के लिए परेशान है। मामला जनपद पंचायत गोरेला के गोरखपुर ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी टंकी का निर्माण किया गया। जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई, परंतु आज तक बिछी हुई पाइपलाइन में ना ही कनेक्शन है और ना ही किसी ही तरह की कोई टेस्टिंग है, जिससे लोग परेशान है। तो क्या परेशानी होती है पानी की? पानी की परेशानी है, वो सरकार अपन प्राइवेट डाल डाल दी है। अच्छा, बोर तो सरकारी बोर है कि बोर सरकारी लोग... नहीं पहली के। अच्छा, थोड़ी सी बिगड़ गई। हाँ, तो बिगड़े के बाद में अपन मशीन डाल दी है। हाँ हाँ, तो कहूँ घर बाप के बताओ। मतलब सब अपने अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं हैंडपम्प से। हाँ? है ना, अपन किराया वाले खेत हैं फिर सिंचाई कर रही। अच्छा, क्या नाम है अम्मा आपका? मोर? हाँ, अरे मोर नाम को सुनिया था से लग गया। नहीं बताओ। फुटे ना ना। अच्छा ठीक, पुराना मना इनके नाम। हाँ, हाँ। तो आए अम्मा जी, क्या नाम है आपका? ईश्वरी राठौर। ये आप कहाँ रहते हैं? गोरखपुर ग्राम। गोरखपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? नल हेडपम्प तो है सर, लेकिन आ नहीं रहे पानी। हेडपम्प में सब लोग मशीन डाल लिए हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं टंका मन है तो एक दिन आता है, एक दिन आता नहीं है पानी। नहीं, जो हैंडपम्प लगे हुए हैं वो सरकारी लगे हैं कि लोगों सब में सरकारी है। लगे जी, और उसमें पूरा पाइप डाल दी है बोर वाला अपना यूज करने के लिए। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की क्या? किए थे तो भैया ये किए थे शिकायत, बोले हैं कि कुछ आश्वासन नहीं मिला अधिकारी। क्या पता, आप इन्हीं बताएंगे, बोले थे सिग्नेचर करवाए थे। ठीक है, नाम है आपका? कौशल्या बाई राठौर।
यहाँ पानी की क्या सुविधा है आपके ग्राम पंचायत में? यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है सर, परेशानी है। वहाँ पे सरकारी बोर है, उसमें दो दो ठो डला गया है नल, और यहाँ लड़ लड़ के मर रहे हैं पानी के लिए। आप लोगों ने अभी शिकायत भी की थी ना? हाँ, शिकायत तो किए थे, उसका कोई सुनाई नहीं है। ग्राम ग्राम सभा लगता है तो वहाँ भी शिकायत करते हैं कि यहाँ बोरिंग खोदना चाहिए, तो कोई व्यवस्था नहीं है। अब टंकी से पानी नहीं मिल रहा है। टंकी तो बनी हुई है ना यहाँ? टंकी बनी है, लेकिन वो वोल्टेज नहीं है, वायर जल जाता है, एक दिन आता है, चार दिन नहीं आता है। हम लोग परेशानी। कितने दिनों से आपको पानी नहीं मिला है? एक माह हो गया सर, इसी में परेशानी है हम लोगों के पास। अच्छा, पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है ना? पीने के पानी के, और हमको लग रहा है कि इस तरफ बोर होना चाहिए। हाँ। उस तरफ के लोगों का व्यवस्था है तो यहाँ कहीं बोर होना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग इतना परेशान है, और रोज लड़ाई, जब बोरिंग चालू नहीं होता तो रोज लड़ाई हम लोगों का। सर, ग्राम पंचायत गोरखपुर में नल जल योजना के अंतर्गत जो पानी की सप्लाई होती है वो पिछले एक महीने से नहीं हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। उसमें सचिव से मेरा बात हुआ है तो उनका कहना है कि लो वोल्टेज के कारण ये नहीं चल पा रहा है ऊपर में पानी। तो उनको मैं बोला हूँ कि तत्काल भाई वहाँ जो भी है वोल्टेज की समस्या है उसको दूर करवाएं, बिजली विभाग से बात कर लें उसको, और दूसरा ये चेक कर लें, ऐसा तो नहीं कहीं पाइप वाइप लीकेज हो, कोई पानी का मिसयूज, थोड़ा वो चेक करवा लें। तो उनको निर्देशित मैं कर दिया हूँ, बात हो गया है सचिव से, बोला हूँ कि जल्दी पानी की समस्या को हल करें वहाँ पे। थैंक यू सर। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे को ठेकेदार ने जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कदम उठाने वालों में से एक हैं, जिन्हें एक ठेकेदार द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। आइए जानते हैं जान से मारने की धमकी देने की वजह क्या है। आपको बता दें कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकाटगर कपाल में ठेकेदार विकास जैन द्वारा नल जल योजना में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पांडे की काफी मेहनत के बाद पता चला कि वर्धमान एसोसिएशन के नाम के फर्म द्वारा नल जल योजना में काम किया गया है, जिसमें लाखों रुपए के भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इस कार्य में ठेकेदार विकास जैन ने पंचायत पर दबाव बनाकर 18,02,000 रुपए एडवांस कार्य किए बिना ही ले लिए। और इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि आम आदमी पार्टी इस घोटाले का भंडाफोड़ करने वाली है तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे को सीधा कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि घोटाले का उजागर किया तो जान से हाथ धो बैठोगे, तुम और तुम्हारा परिवार मेरे निशाने पर हो, मेरी पहुंच बड़े बड़े राजनीतिक लोगों में है। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज इसलिए आयोजित की है ताकि हम आपको यह बता सके कि कोंडागांव जिले में आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम जो लगातार चल रहा है, उसी के तहत जब हमने कुकाड़गार कापाल ग्राम में एक बड़े भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वर्धमान एसोसिएट नाम की कंपनी, जो कि विकास जैन नाम के ठेकेदार की अपनी पारिवारिक कंपनी है, द्वारा 18 लाख रुपए की लूट सामने आई। और जब हमने इस विषय को प्रकाशित करने की बात कही, जब इस विषय को हमने उजागर करने की बात कही, तो सीधे मुझको रात को विकास जैन ठेकेदार ने कॉल मिस कॉल किया। और जब मिस कॉल आया तो मिस कॉल करने के बाद मैं व्यस्त था, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपनी तरफ से कॉल लगाया, और कॉल लगा के जब स्पीकर पे मैं बात कर रहा था तो उसने सीधे मुझको जो है जान से मारने की धमकी। उसने कहा कि यदि तुम मेरे घोटाले को उजागर करोगे तो मैं तुमको, तुम्हारे परिवार को सीधे उड़वा दूंगा। ये मुझको सीधे उसने धमकी दी। तुम नहीं जानते हो कि मेरी पकड़ कितनी राजनीतिक पहुंच वालों के साथ है। उसने यह भी कहा कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग मेरे साथ मिले हुए हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे चैलेंज किया कि मेरा किया घोटाला तुम उजागर करके बताओ। तो मैं इस बात को उजागर कर रहा हूं कि 18 लाख रुपए का लुटेरा विकास जैन, जिसने वर्धमान एसोसिएट नाम की कंपनी के माध्यम से कुकाड़गार कापाल गांव में एडवांस नल जल योजना के काम के लिए, यह भी बहुत बड़ा विषय है, बहुत एक बेहतरीन मामला है कि आप बताइए नल जल योजना के काम के लिए लगभग वर्ष भर पहले 18 लाख 2,000 रुपए उसने एडवांस में ले लिया,
यह भी बड़ा विषय है कि आखिर उस पंचायत पर ऐसी कौन सी राजनीतिक दबाव रहा है, ऐसा कौन से राजनीतिक व्यक्ति ने दबाव बनाया ताकि पंचायत ने मजबूरी में आकर के उसको 18,02,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया और बाकायदा पंचायत ने ये जो एसोसिएट है, ये जो वर्धमान एसोसिएट है, इसके खिलाफ नोटिस जारी करके इसको नोटिस जारी किया है कि आप यह कार्य को करें। तो इस भांडाफोड़ के विरुद्ध मुझे जान से मारने की धमकी मिली है और मैंने इसके विरुद्ध बाकायदा पुलिस में FIR का आयोजन दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्टील कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार बुधवार दरमियानी रात की है। बुधवार सुबह जब पति की आहट नहीं मिलने पर पत्नी ने शोर मचाया तो कमरे के अंदर मृतक फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दुर्ग CSP विवेक शुक्ला, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बागड़े टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मृतक आनंद राठी उम्र 38 साल ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह अपनी माता की मौत के बाद से डिप्रेशन में था। मृतक की माता की 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। पुलिस ने इस सुसाइड नोट की जांच की बात कही है। पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाले आनंद राठी और उनके परिवार का माहेश्वरी स्टील के नाम से बड़ा कारोबार है। वे छत्तीसगढ़ के नामी कारोबारी में गिने जाते हैं। मृतक की पत्नी के अलावा घर में 2 बच्चे भी हैं। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे काफी परेशान थे। अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। इस मामले में किसी को भी दोषी करार नहीं किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार वृक्षारोपण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, वहीं वन विभाग के जंगलों में भारी तादाद में लकड़ियों की कटाई जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी बेशकीमती लकड़ियों को काटकर उस जगह पर कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मड़ियान बिट के दमाऊ दधरा के जंगलों में 14 परिवार के लोगों ने 400 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने कलेक्टर से की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। डोंगरगढ़ विकासखंड के वन समिति माडियान बिट में ग्राम दमाऊ देहरा के लोगों के द्वारा वन भूमि पर कब्जा किया गया। हजारों की तादाद में हरे भरे वृक्षों की कटाई करके 400 एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा तहसीलदार, SDM, SDO वन विभाग को पहले ही की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इसकी शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि एक एक कब्जाधारियों ने 25-25 एकड़ जमीनों पर जंगलों को काटकर कब्जा कर लिया, जबकि इनमें से कुछ लोगों को सरकार के द्वारा वन अधिकार के तहत पहले जरूरत के हिसाब से पट्टा दिया जा चुका है, उसके बाद भी कब्जा किया जा रहा है। बताते चले कि इस संबंध में वन विभाग के रेंजर SDO ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं समझने वाली बात यह है कि हजारों की तादाद में वृक्षों की कटाई की जाती है, सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा हो जाता है और वन विभाग को पता तक नहीं चलता, कैसे संभव हो सकता है। इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत वर्मा और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। SDM को भेजते हैं ऐसा करके 10 करके को वापस करते हैं। कौन सा बीट पड़ता है जंगल? मड़ियान बीट पड़ता है। तो कर्मचारी अधिकारी लोगों को भी और आप लोग कुछ अवगत नहीं कराए थे क्या? सब लोग जानते हैं और उनको भी अवगत करा चुके हैं पहले से 2 साल पर, मतलब अगले साल से हम उनको अवगत कराते हैं और अगले साल से उनको सूचना दे रहे थे। क्या क्या लकड़ी काटा हुआ है? पूरे झाड़ को जला दिया गया है, सागौन की झाड़ है कटा हुआ है, जो ठुड़गा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ठुड़गा दिखाई दे रहा है, बीजा का है, सागौन का है, आंवला का है, ऐसे कई आदि पेड़ है जो मोटे मोटे गोले हैं, पूरे काट दिए गए हैं। पूरी इमारती लकड़ी है, पूरे तरह से नष्ट कर, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, पूरा बोलना चाहिए पूरे जंगल का नामो निशान मिटा दिया ऐसा है। और मड़ियान से कम दिख ही रहा है सामने, यहाँ तो एक जने का आने की हिम्मत नहीं होता था, इतना जंगल था भाई पहले हमारे जानती में भी, ये 3 साल के पहले तो भयंकर जंगल था, 3 साल ही हुआ इतना कटाई हुआ है तो, और पूरा खेत बना लिया। इसके लिए पूरा जानकारी है, फॉरेस्ट को है, डिप्टी को है, रेंजर को है, सभी जान रहे हैं इसको, फिर भी आज तक कुछ नहीं बोल रहे उन लोग, क्योंकि उन लोग पैसा वैसा लिया होगा इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है वो, अगर नहीं लेता तो कुछ तो करता भाई एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका पूछना है। और कुछ उसने अभी जो अतिक्रमण किए हैं, जो आदमी उसको मजदूरी के रूप में रखे थे और वो अभी उसको अतिक्रमण कर दिए हैं, चूँकि पूर्व में 5-6 में वन विभाग के माध्यम से वहाँ बांध बनाए हैं और बांध के ऊपर वहाँ अतिक्रमण अभी कर दिए हैं, तो गांव वाले उसको
अब चूंकि वन समिति का अधिकार है कि वो उसको रोकने का, तो उस लिए रोके हैं, तो अभी वन विभाग अभी वृक्षारोपण लगाएंगे करके बोल रहे हैं, जब नहीं लगाएंगे तो फिर ऊपर में फिर शिकायत करेंगे। ये जंगल को जो अभी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को खुद को सोचना चाहिए। पूर्व में जो अभी अतिक्रमण किए हैं उन लोगों के परिवार आए थे, तो थाना वाले लोग भी आए थे, तो उसको हम वहाँ पर ना हमारे पूरे गांव के पब्लिक थे, तो हमारे गांव का एक मुखिया है राम प्रदेश वर्मा, उसको जेल में डालने का धमकी भी दिया। धमकी भी दिया गया? हाँ, जेल में डालने का धमकी। कौन धमकी दिया है? थाना वाले लोग बता रहे हैं कि इतना अतिक्रमण हुआ है, अब डिपार्ट वाले भी कुछ ध्यान नहीं देते, तो हम समिति वाले क्या कर सकेंगे भाई? क्या आश्वासन दिया फिर सामने आएंगे? पिछले साल भी गए थे हम लोग, खैरागढ़ गए थे, वो भेज रहा हूँ कितना ये हुआ है, वहाँ जाएंगे। शिव कुमार के शिव कुमार साहू रेंजर के पास गए थे, वो बोले अभी तक नहीं आया। विधायक महोदय भी और उसके दो चार प्रतिनिधि भी आए थे, वो जिस दिन गांव वाले आए थे ना सभी लोग, उस दिन विधायक महोदय के प्रतिनिधि दो तीन आए थे यहाँ, उन लोग भी यहाँ इस पार्ट में आए थे, है ना? हाँ। ये किसका जगह है जो अभी देख रहे हैं? ये छबील। छबील को क्या नाम पिताजी का? रजब। रजब कौन सा गांव का रहने वाला? ये दमोदारा का। अच्छा, यहाँ पर जो लकड़ी देख रहे हैं वो क्या लकड़ी है जी? ये साझा है। साझा लकड़ी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सुकमा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना कोटा 2 में पदस्थ पर्यवेक्षक मेवा चोपड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। चोपड़ा की निलंबित की यह कार्यवाही उसके विरुद्ध महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्यवेक्षक पद पर नियुक्त कराने के नाम पर कई बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी करने की है। बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के थाना सिटी कोतवाली बलोदा बाजार में मेवा चोपड़ा के खिलाफ अपराध दर्ज हो चुका है। 28 जुलाई को चोपड़ा के विरुद्ध कई शिक्षित बेरोजगारों ने पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति कराने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने की लिखित शिकायत पुलिस को की है। चोपड़ा का स्थानांतरण आज से 3 साल पहले जुलाई 2017 में एकीकृत बाल विकास परियोजना बालोदा बाजार से एकीकृत बाल विकास परियोजना कोटा 2 जिला सुकमा में की गई थी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल में एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान राज त्रिपाठी की संदिग्ध मौत के मामले में बैतूल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि एडीजे को उनकी महिला मित्र ने ही मौत के घाट उतार दिया। महिला पूरे परिवार को मारना चाहती थी, इसलिए तंत्र मंत्र के नाम पर एडीजे को जहरीला आटा दिया था। घटना वाले दिन एडीजे और उनके बेटों ने जहरीले आटे से बनी रोटियां खाई थी, जिसके बाद तीनों की हालत बिगड़ गई। एक बेटे को तो बाद में होश आ गया, लेकिन एडीजे और उनके एक बेटे की मौत हो गई। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस ने कई एंगल पर तफ्तीश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस को बैतूल से बाहर रहने वाली एक महिला के बारे में जानकारी मिली, जो लगभग 10 साल से एडीजे के संपर्क में थी। महिला का फोन बंद होने से पुलिस का शक गहराया और जैसे ही एक दिन पहले महिला का फोन रीवा में चालू हुआ तो उसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसे और 5 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर बैतूल आ गई। इस हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि एक परिचित महिला संध्या सिंह थी, जो छिंदवाड़ा की रहने वाली है। वो एनजीओ में काम करती है। उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से इनका परिचय था, लंबे समय से मिलना जुलना था। संध्या सिंह के द्वारा एडीजे को बताया गया था कि कुछ ऐसा तंत्र कर सकते हैं जिसके कारण उनके परिवार में चल रही कलह और उनकी लगातार खराब रह रही तबीयत में काफी सुधार आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर उसने एडीजे को कन्विंस किया। पुलिस ने बताया कि इसी परिपेक्ष में एडीजे के घर से आटा लेकर उनको दिया गया और उसी आटे को वापस किया गया। आटे का सेवन करते ही पूरी फैमिली को हेल्थ इश्यू होने लगा और 2-3 दिन में उनकी तबीयत खराब हो गई। एडीजे और उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ में एक महिला को अफेयर करने पर कुछ लोगों ने खुद ही सजा देने का प्रयास किया है।
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कथित प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सजा के तौर पर महिला को पति को कंधे पर बिठाकर घुमाना पड़ा। पीछे पीछे गांव वाले थे, वह शोर मचाते रहे। एक जगह जब वो थक गई तो छड़ी से उसे पीटा भी गया। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता रविवार को पति और 3 बच्चों के साथ गुजरात के झाबुआ के छापरी रनवासा गांव में लौटी थी। दोनों गुजरात में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। परिवार के लोगों ने इसी शंका के आधार पर पीड़िता के साथ यह अमानवीय की घटना की। झाबुआ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जिले में यह पहला मामला नहीं है जिसमें महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। बीते 1.5 महीने में यह दूसरा मामला है जब किसी महिला को ऐसी सजा दी गई हो। बड़ी बात यह है कि जब महिला को सजा दी जा रही थी तब कई लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी महिला के साथ हो रही दुर्व्यवहार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अलबत्ता अपने मोबाइल में इसे कैद करने की होड़ में सभी लगे रहे। स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। देश और प्रदेश के सभी खबरें देखने के लिए समाचार एक्सप्रेस पर बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.